स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन, और उसका चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नाम है खेल तथा पोषण, और इसका ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, ये हम नया कोर्स अपना लाए हैं, और जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपको बता देता हूं। तो आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि कुछ कुछ वर्ड्स को हम इंग्लिश में भी यहाँ पर रखें, और बाकी हिंदी मीडियम के लिए तो ये वीडियो है ही। तो आपको बता दूं कि ये जो आपका आज का चैप्टर है, इसमें आपको बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, यानी कि संतुलित आहार क्या होता है, और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है आपको, पोषण के बारे में, और आपके सूक्ष्म जो मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और जो वृहत पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आहार के मतलब पोषक तत्व होते हैं, गैर पोषक तत्व होते हैं, वो आपको पढ़ना है। आपको वजन कंट्रोल के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए वो आपको पढ़ना है, एक हेल्दी वेट के लिए क्या खा सकते हैं, और जो अल्प आहार होता है यानी कि डाइटिंग, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और खाद्य असहिष्णुता यानी कि फूड इंटॉलरेंस, और फूड मिथ्स मतलब खाना खाने से जुड़े कुछ मिथक। तो ये इस पूरे चैप्टर के कंटेंट है, यानी कि आपको ये चीजें पढ़नी है। तो पार्ट फर्स्ट जो होगा, इसमें हम आज कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि भोजन हम किसे कहते हैं, यानी कि फूड। तो जितने भी लिक्विड और जो जो ठोस पदार्थ होते हैं, यानी कि जो तरल जिनको हम पी सकते हैं, या ठोस पदार्थ जिन्हों जिनको हम चबा के खा सकते हैं, जिन्हें मनुष्य खाता है, और फिर उन सबको अपनी पाचन क्रिया द्वारा, यानी जो एक मतलब डाइजेशन द्वारा उन सबको पचाता है, और फिर उसको अवशोषित करके अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग वहां तक उनका फिर इस्तेमाल करता है उन सब एनर्जी का, तो वो सारी चीजें आपकी भोजन में आती है, ठीक है, यानी कि तरल या ठोस। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, वो है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। एक संतुलित आहार हम किसे कह सकते हैं? तो आपको बताता हूं सबसे पहले कि जो संतुलित आहार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें भोजन के अंदर मतलब सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों, यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर जितने भी पोषक तत्व, यानी कि जो हमारे पोषण के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, वो सब संतुलित यानी कि एक बैलेंस मात्रा में वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि एक मतलब संतुलित आहार जो होगा वो एक ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं वो सब उसमें कंटेन करते हो, यानी कि वो सब उसमें पाए जाते हो, तो वही हमारी एक बैलेंस डाइट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक यहाँ पर टेबल समझाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि हमें इतनी कैलोरी खाना खाना चाहिए, या इतनी कैलोरी या कैलोरीज जो है बर्न करनी चाहिए, तो कैलोरी वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ खाना मतलब कुछ खाद्य पदार्थ है यहाँ पे जिनके अंदर कितनी कैलोरी पाई जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मक्खन है, तो प्रति 100 ग्राम मक्खन के अंदर लगभग 700 कैलोरी पाई जाती है। पनीर है, उसके अंदर 350 कैलोरी पाई जाती है। चीनी है, उसके अंदर 350 कैलोरी पाई जाती है। जो डबल रोटी होती है, उसके अंदर 228 कैलोरी पाई जाती है। जो दूध होता है, उसके अंदर 70 कैलोरी पाई जाती है। जो आलू होता है, उसके अंदर लगभग 70 कैलोरी पाई जाती है। तो ये एक टेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति होते हैं, जो डेली काम करते हैं, उनको लगभग कितनी कैलोरी चाहिए होती है, ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, कितनी कैलोरी उन्हें चाहिए होती है प्रतिदिन में डेली। तो यहां पर काम का प्रकार लिखा हुआ है, यानी कि किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठकर कोई काम करता है, तो उसको लगभग डेली 1500 से 2000 कैलोरी चाहिए होती है। अगर कोई हल्के शारीरिक कार्य करता है, यानी कि मतलब ऐसा काम करता है जिसमें शरीर का हल्का हल्का इस्तेमाल होता है, तो उसमें लगभग उसे 2500 से 3000 कैलोरी चाहिए होती है। अगर कोई मध्यम शारीरिक कार्य करता है, यानी कि जो मीडियम मतलब अपना शारीरिक कार्य करता है, कोई ऐसा काम करता है शरीर से जो ज्यादा भी मतलब हार्डवर्क ना हो, मतलब मीडियम हो, तो उसको 3000 से लगभग 3500 कैलोरी चाहिए होती है। अगर कोई कठोर शारीरिक कार्य करता है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है फिजिकली, तो वो उसको लगभग 3500 से ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। और अगर कोई अत्यंत बहुत ज्यादा ही हार्डवर्क करता है फिजिकली, तो उसको लगभग 8000 कैलोरी चाहिए होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि हम न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषण।
तो यहाँ पे लिखा है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आहार यानी कि जो खाने की चीज है उसको हम ग्रहण करते हैं, फिर उनको हम पचाते हैं। ठीक है, पोषण की सिंपल सी परिभाषा है, हम खाने की चीज को ग्रहण करेंगे, खाएंगे और फिर उसको हम ग्रहण करके पचाएंगे, उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भोजन के अंदर के जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिटिव जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो भोजन के अंदर के, उनको फिर हमारे शरीर के अंदर द्वारा सोख लिया जाता है, फिर उन्हें शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। ये जब इसका पाचन होता है तो क्या होता है, ये जो पौष्टिक जो पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनको सोख लिया जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में पोषण के अंदर फिर इनको शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको हम कहते हैं मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, तो जो वृहत पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे खाने के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए चाहिए होते हैं। अगर ये ना हो तो इसके बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता। यानी कि एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है वसा और तीसरा है प्रोटीन। इन तीन के बगैर हमारा शरीर बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। आइए आपको बताता हूँ, तो जो वृहत पोषक तत्व होते हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बाद वसा, फिर प्रोटीन और फिर हमारे लिए पानी भी बहुत जरूरी होता है। अगर पानी ना हो तो भी हमारा पोषण पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे शरीर को मतलब बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में चाहिए होते हैं, एक तो क्योंकि ये इन्हीं से ही हमारे शरीर के लिए एनर्जी बनती है, हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो एक होते हैं साधारण और एक होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस होते हैं, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो है आलू, गेहूं, चावल यानी कि राइस, गन्ना, शुगर केन और ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो दो प्रकार थे कार्बोहाइड्रेट के, उसमें जो पहला प्रकार है वो है साधारण कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा भी कहते हैं। तो ये जो होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, ये अनाज में मिलता है एक तो, जैसे कि गेहूं, चावल आदि में, और जो रसीले फल होते हैं जैसे कि गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, इन सब में ये पाया जाता है जिसमें मिठास होती है। और ये जो साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शर्करा होते हैं, ठीक है, ये स्वाद में मीठे होते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप पानी में घोलोगे तो ये सोलेबल होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ये बिल्कुल उनके उल्टे होते हैं, और ये पानी में घुलनशील भी नहीं होते, ये भी बिल्कुल उसका उल्टा है। और ये जो होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें एक तो स्टार्च पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है और सेल्यूलोज इसमें पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सब कहाँ पर मिलता है, आलू के अंदर, शकरकंदी के अंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल और इन सब में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो अगला जो हमारा वृहत पोषक तत्व है वो होता है वसा, जिसको आपने बहुत बारी सुना होगा, फैट जिसको हम कहते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट जिसको हम संतृप्त वसा कहते हैं, और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है, जिसको असंतृप्त वसा कहते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके उदाहरण है आपका फास्ट फूड, जो भी आप डेली फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं वो, बेकरी की जितनी चीजें होती हैं वो, आइसक्रीम्स, ठीक है, ये बर्गर वगैरह और ये जितनी भी फास्ट फूड की चीजें होती है, ये सब आपका सैचुरेटेड फैट्स में आता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये होता है मूंगफली, तिल, सरसों। ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर इसको हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर में जो बुरा फैट होता है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो फैट के बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे, जो वसा होता है, जो फैट होता है, हमारे शरीर और हमारे भोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वसा से ही हमें सबसे ज्यादा एक तो एनर्जी प्राप्त होती है, और वसा हमारे शरीर को सुंदर तथा आकर्षक बनाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, जिनका शरीर, अगर किसी के शरीर में बिल्कुल भी फैट ना हो तो वो बहुत ज्यादा पतला लगता है, जिसका फिर समाज में कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा फैट हो जिसके अंदर, तो वो मोटा होने लगता है, जिसका भी मजाक उड़ाया जाता है समाज में। तो वसा जो होता है हमारे शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन वसा यहाँ तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर एक बैलेंस्ड अगर फैट होता है तो वो हमारे शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन अगर शरीर में ज्यादा वसा होगा तो मोटापा बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो वसा के स्रोत क्या है, हमें फैट कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो पनीर से मिलेगा, मूंगफली से मिलेगा, सरसों से मिलेगा, आइसक्रीम से भी मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड फैट में आता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फैट के आखिर क्या काम होते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फैट, तो कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, जो हमारे शरीर के जो कोमल सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स, उनको ये सिक्योरिटी एक तरीके से प्रोवाइड करता है। और हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उनके उत्पादन के लिए फैट जो है हेल्प करता है, सहायता करता है। त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है, जो हमारी स्किन है उसको मतलब खुरदरा होने से एक तरीके से बचाता है। और आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, वृहत पोषक तत्व है, वो है प्रोटीन। आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दिया, आपको मैंने फैट के बारे में बता दिया, अब हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन आपने सुना होगा, और ये हमारे भोजन में मतलब ये पाया जाता है, प्रोटीन हमारे भोजन में हमें चाहिए चाहिए होता है। अगर प्रोटीन ना हो तो हमारा शरीर इसके बिना अधूरा है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, जो कि हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, नई नई कोशिकाओं का, सेल्स का निर्माण करता है, वो प्रोटीन ही होता है। इसलिए बढ़ती उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन, और मतलब खिलाड़ियों के लिए भी प्रोटीन काफी ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोटीन के कुछ कार्य देखते हैं, इसके फंक्शंस देखो। एक तो प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है, मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है, नाखून, त्वचा, बाल और आंतरिक अंग जो हमारे होते हैं उनके निर्माण के लिए जरूरी होता है, जो नए नए ऊतक होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा, उनके निर्माण के लिए जरूरी होता है, जो टूटे हुए ऊतक होते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं उनकी मरम्मत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, एंटीबॉडीज के उत्पा जो मतलब एंटीबॉडीज होती है हमारे शरीर में उनके उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा ये प्रोटीन जरूरी होता है। अब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, दालों से मिलता है, बादाम से मिलता है, ठीक है, ये कुछ उसके सोर्स थे प्रोटीन के। अब अगला जो हमारा पोषक तत्व है वो है जल। वाटर को इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि वाटर के बिना हमारा शरीर अधूरा है। हमारे शरीर को जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो तरल माध्यम में ही होती हैं, ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं। इसलिए जो हमारा पानी होता है उसको हम वृहत पोषक तत्व यानी कि मैक्रो जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी हम श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट तत्व भी होता है, ठीक है, इसको काफी ज्यादा आवश्यक तत्व भी माना जाता है। अब जल क्या काम करता है हमारी बॉडी में, एक तो जो हमारा ब्लड होता है, रक्त का 90% जो भाग होता है वो जल से मिलकर बना होता है। जो पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाने का काम कौन करता है, ये भी जल करता है। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हम जब शरीर के अंदर जो हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको कोशिकाओं तक ले जाने का काम जल का होता है। जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान होता है, उसको नियंत्रित रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, उनको शरीर के बाहर निकालने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में से जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते रहें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। मैंने आपको मैक्रो यानी कि वृहत पोषक तत्व पढ़ा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको हम कुछ भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा खनिज। अब खनिजों में मिनरल्स के अंदर क्या क्या आता है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, और आपका फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो ये आपके खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब जो दूसरा पोषक तत्व होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर वो होता है विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो वाटर सोलेबल होते हैं यानी कि पानी में घुल जाते हैं, और दूसरे होते हैं कि जो फैट में घुलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक तो पानी के साथ घुल जाते हैं और एक होते हैं जो फैट के साथ घुलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों के बारे में जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आपको बता दूं, जो खनिज होते हैं हमारे कुल बॉडी वेट का लगभग 4% जो होता है वो खनिज तत्वों से ही बना होता है। हमारा जो पूरा बॉडी का वेट होता है, शारीरिक भार होता है, उसका लगभग 4% जो होता है वो खनिज तत्वों से ही बनता है, मिनरल से। और हमारी बॉडी में लगभग 24 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, 24 प्रकार के मिनरल, और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होते हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, बहुत सारी करने के लिए हमें खनिजों की बहुत आवश्यकता होती है। अब खनिज हम देखते हैं, ये खनिज जो होते हैं मिनरल्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, और एक होते हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और दूसरे वाले जो है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला है कैल्शियम। आपने सुना होगा कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में सबसे अधिक खनिज होता है, और कैल्शियम का जो ज्यादातर भाग होता है वो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। और कैल्शियम जो होता है
वो क्या करता है, दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है, और शरीर में लगभग 50% कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत जो है, सोर्स जो है, वह है दूध, दही, हरी सब्जियां, अंडा और मांस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो खनिज है हमारा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, कोशिकाओं का रखरखाव करता है हमारे शरीर के अंदर, और जब कोशिकाएं टूट फूट होती हैं कोशिकाओं के अंदर, तो उनकी मरम्मत करता है, उनको रिपेयर करता है। अब जो मैग्नीशियम है, ये इसके सोर्सेस क्या क्या है, एक तो है साबुत अनाज, एक है ब्राउन राइस और एक है मीट, ठीक है। और अगला जो हमारा अब खनिज है अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वो है फॉस्फोरस। अब जो फॉस्फोरस है, ये दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए सहायक होता है, और जो मांसपेशियां और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उनको नॉर्मल, उनका जो वर्क होता है उसको बनाए रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस। अब जो फॉस्फोरस है हमें मछली से मिलता है, दूध से मिलता है और अंडे से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा मिनरल है, खनिज है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारे स्नायु तंत्र को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको, उसकी जो प्रॉपरली उसको वर्क करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है सोडियम। और जो ये क्या करता है, कोशिकाओं के द्रव्यों में संतुलन बनाए रखता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर बैलेंस बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सोडियम का। और सोडियम जो है हमें आयोडीन नमक से प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला खनिज है हमारा पोटेशियम। अब जो पोटेशियम है, ये एक तो हमें केले से मिलता है, ज्यादा से ज्यादा केले में, पत्तेदार सब्जियों में, खट्टे फलों में और टमाटरों में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, यह शरीर की कोशिकाओं में द्रव्यों को ठीक दर को, मतलब जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो लिक्विड होता है उनकी जो रेट होता है, ठीक है, जो उनकी दर होती है उसको अच्छे से बनाए रखता है पोटेशियम। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, या जो स्नायु तंत्र होता है उसको मजबूत रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे शरीर में कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। पहला है आयरन, ठीक है, जिसको लोहा भी कहते हैं। तो आयरन हमें एक तो मीट से मिलता है, अंडे से मिलता है, केले से मिलता है, पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, सूखा मेवा होता है उससे मिलता है, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं इसके। अगर आयरन की कमी हो हमारे शरीर में, तो हमें एनीमिया हो सकता है खून की कमी से। और शरीर में जो पूरा लोहा होता है, आयरन होता है, उसका लगभग 70% जो भाग होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, जो हमारे खून में होता है। और आयरन का कुछ हिस्सा हमारे लीवर में पाया जाता है, कुछ किडनी में होता है, और कुछ हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, आपने ब्लड प्लाज्मा सुना होगा, अभी कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी बहुत चली थी, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, इसमें भी आयरन के बहुत सारा जो, मतलब जो हिस्सा होता है वो पाया जाता है। अगला जो हमारा कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, वो है आयोडीन। आयोडीन जो है हमें आयोडीन नमक से मिलता है, मछली और समुद्री भोजन से मिलता है। आयोडीन जो होता है, एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है ये अपने अंदर उत्पादन करता है, ठीक है। थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि ये उत्पन्न करता है, आयोडीन जो खनिज होता है, जो कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये किस लिए जरूरी होता है, जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड होता है, जो हमारी थायरॉइड ग्रंथि होती है, इसको सही ढंग से काम करने के लिए थायरोक्साइन नाम का ये हार्मोन चाहिए होता है, और ये जो होता है आयोडीन जो है ये इसका उत्पादन करता है। और आयोडीन जो होता है वृद्धि और विकास के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। और अगर आयोडीन की कमी हो हमारे शरीर में, तो इससे हमें घेंघा रोग हो सकता है, हमें मेंटली वीकनेस आ सकती है, मानसिक दुर्बलता भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो खनिज है कम मात्रा में पाया जाता है, वो है तांबा, कॉपर। अब ये जो तांबा है ये हमें अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलता है। और ये जो तांबा होता है, कॉपर होता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और जो मेंटल एक्टिविटीज होती है, मानसिक एक्टिविटीज, उनको अच्छे ढंग से करने के लिए जरूरी होता है। अगर तांबे की कमी हो हमारे शरीर में, तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, घाव भरने के में जो है फिर ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारी इम्यूनिटी लो होगी, तो अगर हमें कोई घाव हो गया तो उसको ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। और इसकी कमी से क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। और ये क्या करता है, आहार जो हमारा खाना होता है उसके अंदर अमीनो एसिड जो होता है, और जो फैट होता है, और जो ग्लूकोज होता है, इनके विघटन में काफी जरूरी होता है, यानी कि इनको तोड़कर शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब जो है हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन आपको मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, एक तो जल में घुल जाते हैं और एक होते हैं जो फैट में घुलते हैं सिर्फ। तो विटामिन सबसे पहले आपको बता दूं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, विटामिन। और विटामिन ही हमें रोगों से बचाते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजीज से बचाते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। अब जो विटामिन जल में घुल जाते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं, उसमें पहला है विटामिन बी और विटामिन सी। और अगला है जो वसा में घुलते हैं, यानी कि फैट में घुलते हैं, वो है विटामिन ए, डी,
ई और के। तो आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब जो ऐसे विटामिन जो कि फैट में घुलते हैं, जो कि फैट सोलेबल होते हैं, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हमें पपीता में मिलता है, खरबूजा में मिलता है, गाजर में, हरे पत्तेदार सब्जियों में और दूध उत्पादों में। और ये क्या करता है, विटामिन ए हमारा जो नॉर्मल बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, उसके लिए जरूरी होता है। आंखों और स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, रतौंधी जिसे कहते हैं, और ये त्वचा को खुश्क और सूखा मतलब हो जाएगा। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो तो हमारी त्वचा खुश्क और सूखी सूखी सी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ड्राई स्किन हो जाएगी। अगला जो विटामिन है जो फैट में घुलता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से, मछली के तेल से मिलता है। और विटामिन डी जो होता है ये शरीर के फास्फोरस और कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है, ठीक है। जो दांतों को हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, जब विटामिन डी मिल जाता है फास्फोरस और कैल्शियम के साथ में। और ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है रक्त में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित रखता है, यानी कि उनका बैलेंस बना के रखता है। और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए जो होता है विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भी यह जरूरी होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें रिकेट रोग हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। और गर्भस्थ शिशु जो होता है, जब शिशु पेट में होता है, तो वो उसके विकास के लिए, उसकी हड्डियों के निर्माण के लिए भी क्या होता है, विटामिन डी बहुत जरूरी होता है, जो कि फिर महिलाओं को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो विटामिन है जो फैट में घुलता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमें हरी सब्जियों में मिलेगा, दालों में मिलेगा, अंडे में मिलेगा और साबुत अनाज में मिलेगा। विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई की टेबलेट्स भी आती हैं, ठीक है, और प्रजनन शक्ति को ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज होता है, इसको रोकने में और इसको ठीक करने में काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो इससे हमारी मांसपेशियों का पतन होने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, इसलिए अगर ये इसकी कमी हो जाए तो विटामिन ई से क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी जो बॉडी मसल्स होती हैं वो धीरे 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 उनका पतन होने लगता है, वो खत्म होने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है जो वसा में घुलता है वो है विटामिन के। विटामिन के हमें मिलता है टमाटर से, सोयाबीन से, पालक से, फूल गोभी से, गेहूं से, अंडे से, ठीक है। और ये विटामिन के पाचन क्रिया, जो हमारा जो डाइजेशन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन्स होती है, उनके अंदर जो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। खून का जो थक्का क्लॉट होता है उसको जमाने के लिए भी विटामिन के बहुत ज्यादा सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अब अगले जो विटामिन है वो ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलते हैं, जैसे कि विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी है ये अकेला विटामिन नहीं होता, इस बी के साथ में बहुत सारे विटामिन जुड़े हुए होते हैं, इनको हम संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, ठीक है, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे विटामिनों का एक ग्रुप होता है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं, और ये जल में घुल जाता है। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे शरीर में पाचन क्रिया, डाइजेशन के लिए और हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा भी हो जाए तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। अब विटामिन बी का जो ग्रुप है आपको बताता हूँ, उसके ग्रुप में कौन कौन इसके साथी हैं। एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले आता है विटामिन B1, ठीक है। अगला है विटामिन B2, फिर है विटामिन B3, फिर है विटामिन B5, विटामिन B6 और देन विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1, इसको हम थायमिन भी कहते हैं। और अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इससे हमें कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन हमारी कम हो सकती है, बेरी बेरी नाम का एक डिजीज होता है, रोग होता है, वो हो सकता है, और हमारी वृद्धि रुक जाएगी। डेवलपमेंट और वृद्धि जितनी भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, इससे फिर हमें भूख कम लगेगी अगर इसकी कमी हो जाए, तो ये जरूरी होता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B2। ये आईज के लिए, नोज के लिए, टंग के लिए, माउथ के लिए और जो हमारे होंठ होते हैं, लिप्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो WBC जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो उनकी रोग निवारण क्षमता यानी कि बीमारियों को ठीक करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है अगर विटामिन B2 कम हो। विटामिन B3 जो होता है ये हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और बालों को स्लेटी होने से बचाता है। कईयों के बाल क्या होता है, स्लेटी हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर विटामिन B3 इनके शरीर में कम हो तो इनके बाल स्लेटी होते हैं।
अगला विटामिन है विटामिन B5। अगर विटामिन B5 की कमी हो तो इससे पेलेग्रा नाम की एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। भार संतुलन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट का अगर बैलेंस बनाए रखना है तो उसके लिए विटामिन B5 का सेवन करना चाहिए। विटामिन B6 जो होता है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है हमारे खून के अंदर। और अगला जो विटामिन है विटामिन B7, ये अगर इसकी शरीर में कमी हो तो हमें स्ट्रेस, अवसाद, मांसपेशियों में खिंचाव, हमारी वृद्धि में रुकावट, ये सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। अगला है विटामिन B9। ये जो होता है ये पीले रंग का, गंधहीन, यानी कि कोई इसमें खुशबू नहीं होती, ना इसमें कुछ होता है, ना इसमें स्वाद होता है, और ये शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है, रक्त के खून के निर्माण के लिए, प्रजनन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है। फिर अगला विटामिन है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 ना हो हमारे शरीर में, कमी हो इसकी, तो इससे हमें खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। अब विटामिन B12 हमें मीट से मिलता है, आलू से मिलता है, लीवर ऑयल से मिलता है, फलियों से मिलता है, खमीर से मिलता है। तो ये था जो मैंने आज आपको पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, अब जो विटामिन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन सी, तो विटामिन सी प्रतिदिन हमें इसको लेना आवश्यक होता है। विटामिन सी ही हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी हमारी बिल्डअप करता है, शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को। और आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे विटामिन सी से जुड़ी हुई चीजें खाने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे जो कोविड सेंटर हैं जहाँ पेशेंट्स को विटामिन सी की टेबलेट्स भी दी जाती हैं, तो ऐसे में ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन को कम करता है, और हमारे इंड्योरेंस को बढ़ाता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रोंग करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में, आंवले में, टमाटर में, नींबू में, अंकुरित अनाज में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी ई बुक अभी प्रोसेस में है, वो बन रही है। आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से अपनी जब मैंने स्टोरी बताई थी तो मैंने आपको बताया था ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बुक में लगभग 95% क्वेश्चन होते हैं जो सीधा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एकलव्य स्टडी पॉइंट की जो ई बुक है फिजिकल एजुकेशन की, अभी वो बन रही है, तो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। जैसे ही वो बुक बन जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है, पार्ट सेकंड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।